आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में किसी को कॉल नहीं लग रहा है, आप अपने फ़ोन से कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे आपके फ़ोन से कॉल नहीं हो रहा है, या फिर अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कॉल एंडेड आ जाता है, या फिर आपको इसके जैसी कोई और प्रॉब्लम एरर आ रही है तो इसे ठीक कैसे करें, तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में मैनेज ऐप्स आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। तो यहाँ पे अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर यहाँ पर आएगा आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से फ़ोन, यानी कि आपके मोबाइल का डायलर। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करिए, उसके बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा या फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे अब आने के बाद आएगा नीचे फोर्स स्टॉप, तो फोर्स स्टॉप करिए, उसके बाद ओके करिए। ऊपर आएगा स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूसेज, तो इस पर क्लिक करिए। अब नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, उसके बाद क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करिए, उसके बाद अब ओके करिए। तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कोई कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं होता है। तो ये करने के बाद बैक आ जाइए और अब सेटिंग में ऊपर आइए। ऊपर आने पर आएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क या फिर सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आएगा सिम वन सिम टू, तो जिस सिम से यहाँ पे आप अपने फ़ोन में कॉल कर रहे हैं या फिर जिस सिम से कॉल नहीं लग रहा है उस सिम कार्ड को सेलेक्ट करिए। अगर आपका कॉल सिम वन से नहीं लग रहा है तो सिम वन पर क्लिक करिए, या फिर सिम टू से नहीं लग रहा है तो सिम टू पे क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे सिम वन पे, और क्लिक करने के बाद अब ऐसा पेज आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे नीचे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में आएगा 2G 3G 4G, तो आप अपने फ़ोन में 4G सेलेक्ट करिए। बट अगर आपके फ़ोन में 4G नहीं आएगा तो आप सेलेक्ट करिए प्रेफर LTE, तो 4G या फिर प्रेफर LTE पे क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे आएगा मोबाइल नेटवर्क, तो इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क, तो ये आपका ऑन होता है, तो इसे ऑफ़ करिए। इसे ऑफ़ करने पर नीचे नेक्स्ट आएगा, इस पर क्लिक करिए, ओके करिए। अब ये सर्चिंग लेगा, तो वेट करिए। तो यहाँ पे जब ये नेटवर्क सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद यहाँ पे आप इसे फिर से ऑन कर सकते हैं, तो इसे ऑन करिए। ऑन करने के बाद बैक आ जाइए, उसके बाद अब अपने फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड यानी कि एरोप्लेन मोड ऑन करिए, और यहाँ पे ऑन करने के बाद इसे ऑफ़ करिए। अब यहाँ पे आप एक बार अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। तो यहाँ पे अब ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने पर चेक करिए, आपके फ़ोन से अब कॉल लग रहा है और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।